बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जॉब बैच प्रोसेस कास्टिंग का टॉपिक है MA 1 8 नंबर टॉपिक BPP किट के मुताबिक। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, गलत क्या है, सही का नहीं पूछा। जॉब कास्ट आर कलेक्टेड सेपरेटली वेयर एज प्रोसेस कास्ट आर एवरेज। बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन उसने हमसे गलत का पूछा। ये तो सही बात है कि जॉब में हर वर्क, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर पे होता है तो उसकी कास्ट भी सेपरेट कैलकुलेट की जाती है। प्रोसेस में एवरेज कास्ट होती है क्योंकि एक ही चीज कंटिन्यूस बन रही होती है। इन जॉब कास्टिंग द डायरेक्ट कास्ट ऑफ जॉब कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम मटेरियल रिक्वायजिशन नोट, जॉब कास्ट कार्ड, टाइम शीट, ETC। हाँ जी, ये सही है जी। मटेरियल जितनी रिक्वेस्ट आएगी रिक्वायजिशन, वो रिक्वायजिशन नोट से पता चल जाएगी। जॉब कास्ट कार्ड और टाइम शीट वगैरह से टाइम का पता चल जाएगा। तो ये बेटा आइडेंटिफिकेशन का तरीका होगा, कास्ट किस पे कितनी, ये भी ठीक है। लेकिन उसने इनकरेक्ट का पूछा। इन प्रोसेस कास्टिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट वर्क पासिंग थ्रू ए प्रोसेस एंड वर्क रिमेनिंग इन प्रोसेस। ये बात भी ठीक है क्योंकि इसमें प्रोसेस से जो कंप्लीट हो गया वो फिनिश गुड बन गया, और जो रिमेनिंग है वर्क इन प्रोसेस वो कितने परसेंट कंप्लीट है, 80%, 70%। इन बोथ प्रोसेस कास्टिंग जॉब कास्टिंग द कास्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी इनकॉर्पोरेट इनटू नॉर्मल प्रोडक्ट कास्ट। ये बात गलत है क्योंकि प्रोसेस कास्टिंग में जो कास्ट है नॉर्मल लॉस वो कास्ट का हिस्सा होता है, उसकी मेजरमेंट्स आती हैं, लेकिन जॉब कास्टिंग में ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक कास्ट होती है। तो उसने इनकोरेक्ट पूछा था, तो डी इनकोरेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉब कास्टिंग, जॉब कास्टिंग का कौन सा फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है। प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशर ऑफ द कस्टमर। हाँ जी, प्रोडक्शन बेटा जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल, कस्टमर जिस तरह की रिक्वेस्ट और ऑर्डर करेगा उसी तरह की प्रोडक्शन होगी। एसोसिएट विद कंटिन्यूस प्रोडक्शन, बेटा नहीं, जॉब कास्टिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं होती, कंटिन्यूस प्रोडक्शन को प्रोसेस कास्टिंग कहते हैं। प्रोडक्ट कास्ट आर चार्ज यूजिंग द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन कास्ट ओनली, नहीं बेटा, प्रोडक्शन कास्ट में मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आते हैं, अब्सॉर्ब किए जाते हैं। कास्ट आर चार्ज ओवर द यूनिट प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड, नहीं बेटा, प्रोड्यूस ओवर द यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नहीं बेटा, जॉब कास्टिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें हर ऑर्डर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है। ओवर द पीरियड पूरे साल पे जो है वो कास्ट नहीं निकलती, शॉर्ट टर्म होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए मटीरियल रिक्वायजिशन नोट इज यूज टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटीरियल टू ए जॉब कास्ट। हाँ जी, कि स्पेसिफिक जॉब पे कितना मटीरियल रिक्वायजिशन नोट होता है। ए टिपिकल जॉब कास्ट विल कंटेन एक्चुअल कास्ट फॉर मटीरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड, नहीं बेटा, प्रोडक्शन ओवरहेड में से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो अब्सॉर्ब किए जाते हैं, वो एक्चुअल बेसिस पे नहीं होते। एक्चुअल कास्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, बेटा ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है।
सेकंड रॉन्ग है। फिर व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब? अब जॉब देखते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब 2468, ये जॉब का नंबर है, विच इज बीइंग कैरीड आउट टू मीट कस्टमर ऑर्डर। डिपार्टमेंट ए में भी काम हुआ, डिपार्टमेंट बी में भी हुआ, ये सारा 2468 जॉब नंबर पे हुआ। अब उस पर मटीरियल कंज्यूम्ड, ए डिपार्टमेंट बी, ए डिपार्टमेंट में 5000 का इस जॉब पे मटेरियल लगा, बी डिपार्टमेंट में 3000 का मटेरियल लगा। डायरेक्ट लेबर आर ए डिपार्टमेंट में 400 आर लगे, और रेट पर डायरेक्ट लेबर रेट 4 था, तो इसका मतलब 1600 के लेबर लगी। दूसरे डिपार्टमेंट में बी में 200 आर लगे और वहां पे रेट 5 का है, तो 1000 लेबर लगी। मटेरियल दो डिपार्टमेंट में, लेबर भी दो डिपार्टमेंट में लग जॉब पे रही है एक पे। प्रोडक्शन ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर 4, 4, ये बेटा सेम होते हैं। वन टाइम आप इसी तरह ले ले, आप अलहदा अलहदा लेबर आर ले ले, चले इस तरह कर ले, 400 आर और दूसरे पे 200 आर, रेट 4, 4 है, अलहदा ले ले या दोनों लेबर आर को इकट्ठा करके एक ही बार ले ले। टोटल एडमिन एंड अदर ओवरहेड 2600, ये भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि उसने टोटल कास्ट का, अगर प्रोडक्शन कास्ट कहता तो फिर एडमिन और अदर में ऐड है ना करता। तो अब देखें, 5000 प्लस 3000 प्लस 15600 है टोटल कास्ट हमारी आती है। फिर ये जॉब दी है AA10, जॉब नंबर BB15, CC20, तीन जॉब्स दी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस किसी पे लगा है तो वो ली है, एक पे निल है। मटेरियल इस साल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, मटेरियल लेबर तो हो गया, ओवरहेड रह गया। बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड 126,000 एंड शुड बी अब्सॉर्ब्ड ऑन बेसिस ऑफ लेबर आर। ओवरहेड बेटा 126,000 है, लेबर आर पे जाने हैं, और बजटेड एक्टिविटी लेते होते लेबर आर, बजटेड है कितने टोटल, 580, 140, 984, ये 1704 आए, 580, 140, 984। अच्छा जी, ओवरहेड बजटेड, ओवरहेड बजटेड एक्टिविटी पे डिवाइड करेंगे, 126,000 डिवाइडेड बाई 1704, तो रेट आता है 73.94। अब बेटा ये ओवरहेड है, ये हमने इनमें अब्सॉर्ब करने हैं। ओवरहेड ले पहली जॉब में कितने हुए, अब पहली जॉब में कितने हैं, तो उसकी एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई अब्सॉर्प्शन रेट,
तो बेटा एक्चुअल एक्टिविटी अगर ना दी हो तो बजटेड को ही एक्चुअल लेते हैं। बजटेड लेबर आर भी फिर 580 है पहली जॉब के, और एक्चुअल लेबर आर भी 580 है। 580 एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट, 580 मल्टीप्लाई 73.94, फोर तो इसके ओवरहेड आ गए जी 42885। इस तरह अगली जॉब के उसकी एक्चुअल एक्टिविटी 140 की है, अब्जॉर्प्शन रेट 73.94, उसके ओवरहेड आते हैं तकरीबन 10.1352। इस तरह थर्ड के 984 मल्टीप्लाई 73.94, ये तकरीबन आते हैं 72757। अब देख लेते हैं पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्योंकि 8.5 से लेके 8.7 तक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। व्हाट ओवरहेड शुड बी एडेड इन जॉब CC20? CC20 में ओवरहेड आप कितने किए? 72757, 72757 राउंड अबाउट 72757 के करीब ये अमाउंट आती है। राउंडिंग का फर्क पड़ जाता है बेटा अप्रोक्सीमेशन में। फिर जॉब नंबर BB15 वाज कंप्लीटेड, BB15 कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब? इसकी टोटल कॉस्ट, अब सारी कॉस्ट को बेटा ऐड करो, 42790 प्लस 35 प्लस 103 56642। एडवांस सेलिंग दिए नहीं, अगर दिए होते वो भी मैं ऐड करता, क्योंकि टोटल का प्रोडक्शन नहीं कहा था। जॉब नंबर AA10 CC20 रिमेंड इनकम्प्लीट, AA10 भी इनकम्प्लीट है, CC20 भी। एट द एंड ऑफ पीरियड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? तो बेटा ये दोनों इनकम्प्लीट है, इनकी कास्ट को ऐड कर ले, इसकी कास्ट और इसकी कास्ट। जो कंप्लीट है उसकी कास्ट को प्रोडक्शन कास्ट कहते हैं, जो इनकम्प्लीट है उस पे जो कास्ट लगी उसे ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस कास्ट कहते हैं। इसकी कास्ट भी ऐड करें और इसकी जो इनकम्प्लीट है। अब 26,817,275 प्लस 2,70,000, 2,70,000। ये क्या है? अच्छा, उसने पूछा वर्क इन प्रोसेस A10 का, सॉरी ये नहीं फिर ऐड होना। अगर वैसे पूछना वर्क इन प्रोसेस, जॉब का नाम ना लेता,
तो हम सारी कास्ट ऐड करते हो। जहरा इसने EA10 का सिर्फ EA10 की करेंगे, सॉरी बेटा 26 800 1712 751 4500 4288 5101462 ये ले जी। फिर देखें जी, ओवरहेड बजटेड 140,000 के, फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। तो ओवरहेड को अब्जॉर्ब ऐसी सेलत में करना हो ना, तो ओवरहेड को करते बेटा अब्जॉर्ब्ड होते 140,000 बजटेड ओवरहेड, बजटेड एक्टिविटी। बजटेड एक्टिविटी फिर ये कि देखिए मटेरियल भी बन सकती है, लेबर भी, क्योंकि ज्यादा लेबर है तो लेबर को हम बजटेड एक्टिविटी बनाएंगे, तो लेबर कास्ट को पहले करेंगे टोटल, क्योंकि मटेरियल लेबर दिया ना, अभी ओवरहेड इसमें नहीं है, ओवरहेड अब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो लेबर कास्ट टोटल बनी 40,000। कास्ट पे ओवरहेड निकालने हो तो परसेंट में निकालते होते हो, 140 ये 350 परसेंट ऑफ लेबर कास्ट, क्योंकि लेबर कास्ट को एक्टिविटी बनाया। तो फिर एक्चुअल एक्टिविटी पहले की 12,500 लेबर कास्ट है, मल्टीप्लाई अब्सॉर्प्शन रेट, दूसरे की 23,000 है मल्टीप्लाई अब्सॉर्प्शन रेट, तीसरे की 4,500 है मल्टीप्लाई अब्सॉर्प्शन रेट, कि अब्सॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई टू एक्चुअल एक्टिविटी पहले के हिस्से में ओवरहेड है 43,750। ये 1,750 ये सबके ओवर हेड आ गए जी, 43,750 80 500 और 1,575। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा। वो कहता है जॉब नंबर 1 और 2 वर ओनली इनकम्प्लीट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस। जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब उसने नहीं कहा कि जॉब नंबर 1 का वर्क इन प्रोसेस था या जॉब नंबर 2 का, उसने कहा वर्क इन प्रोसेस क्या है, जो इनकम्प्लीट है उनकी कास्टों का टोटल कर लो, 1 और 2 की दोनों की कास्ट का टोटल बेटा करना पड़ेगा 8,500 ये टोटल जो है ये बेटा, फिर टोटल
8500, 192, 171, 54, 3, 750, ये 81,900 आता, और इसमें ये ऐड करो बेटा 29025, टू 14,425। यानी जो बेटा इनकम्प्लीट उसने कही है, उनकी कास्ट का टोटल कर लो, वो वर्क इन प्रोसेस है, और जो बन गई है कंप्लीट होगी उसकी कास्ट का टोटल करोगे तो उसे प्रोडक्शन कास्ट कहते हैं। जॉब नंबर 3 वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड कंसिस्टेड 2400 आइडेंटिकल सर्किट बोर्ड, उसमें 2400 बोर्ड है जॉब नंबर 3 में। पहले तो उसकी कास्ट देखें कितनी बनती है, ऐड करें 46,000 प्लस 40,500, ये 66,250 टोटल कास्ट, 66,250 टोटल कास्ट, और कास्ट पर पीस, क्योंकि 2400 पीसेस बने हैं तो 2400 पे डिवाइड करें 2400 पे, 27.60 कास्ट। व्हाट इज द टोटल कास्ट पर बैच ऑफ 300 बाइंडर, 300 बाइंडर्स हों उसकी टोटल कास्ट क्या है? अच्छा, पीसी कंपनी मैन्युफैक्चर रिंग बाइंडर विच आर एम्बोज विद कस्टमर लोगो, ए कस्टमर हैज ऑर्डर 300 बाइंडर। द फॉलोइंग डेटा इलस्ट्रेट द कास्ट ऑफ टिपिकल बैच ऑफ 100 बाइंडर, 100 बाइंडर बनाए तो कास्ट क्या आती है? हमने तो 300 बनाने हैं तो 300 को 100 पे डिवाइड करें तो 300, यानी हमें 3 बैच बनाने हैं बेटा। 100 बाइंडर पे 30 लगती है, 300 बाइंडर पे 33 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट वेजेस 100 बाइंडर पे 10 लगती है लेकिन 300 पे 3 से मल्टीप्लाई, ये 90 आ गया, ये 30 आ गया। ये जो मशीन सेटअप है, ये 100 बनाए, 200 बनाए, 10,000 बनाए, ये एक मरतबा ही होना है, ये 3 मशीन सेटअप फिक्स बैच कास्ट, ये जहरा उस बैच में 100 बनाए या 500 बनाए तो वो 3 है। डिजाइन और आर्ट भी एक ही मरतबा होना, वो 15 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई ना कर देना। डायरेक्ट एम्प्लॉई आर पेड पीस वर्क, पीसी कंपनी द्वारा प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेज कास्ट, डायरेक्ट वेज कास्ट 30 है, उसका 20% ओवरहेड है 6, तो टोटल बेटा कास्ट कितनी हुई, 90 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 6, 144 टोटल कास्ट है। फिर देखें जी, व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ असाइनमेंट नंबर 652 की टोटल कास्ट क्या है? वो कहता है सैलरी कास्ट
पर कंसल्टिंग आर आर सीनियर के है तो वो 20 पर आ रहा है, और सैलरी का जूनियर की 15 पर आ रहा है, और असाइनमेंट नंबर 652 पे 86 सीनियर आर लगे हैं, सीनियर की 20 है तो 86 आर लगे हैं, और 220 आर जूनियर के लगे हैं उसकी 15 है, 86 पर आर है ना, पर आर को नंबर ऑफ आर से का रेट को मल्टीप्लाई। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन पर कंसल्टिंग आर, पर कंसल्टिंग का मतलब चाहे वो सीनियर के चाहे जूनियर के, तो टोटल आर बेटा कितने, 220 और 86, 306। ओवरहेड बेटा हर तरह के आर पे लगते, दोनों आर्स को ऐड कर ले, तो अब निकाल ले 306 12.5, 3825, 20 × 86, 1720, 15 × 220, 3300। तो कास्ट का टोटल कितना है, 3825, 8845, 12 नंबर जी। वट इज इक्विवेलेंट यूनिट बेटा, ये प्रोसेस कास्टिंग में होता है, इनकम्प्लीट यूनिट को हम देखते हैं इक्वल टू कंप्लीट यूनिट। अगर 100 यूनिट 80% कंप्लीट है तो 100 पे 80% अप्लाई करके 80 आ जाते हैं, कि 100 इनकम्प्लीटेड यूनिट 80 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है, इसे नोशनल यूनिट या फैक्टिव यूनिट कहते हैं। ए यूनिट ऑफ आउटपुट विच इज आइडेंटिकल टू ऑल अदर, नहीं, नोशनल होल यूनिट, कंप्लीट यूनिट यूज टू रिप्रेजेंट अनकम्प्लीटेड यूनिट, इनकम्प्लीटेड अनकम्प्लीटेड वर्क को शो करने के लिए जो होल यूनिट लेते हैं उसे इक्विवेलेंट यूनिट कहते हैं। बाकी क्वेश्चन निकालते हैं जी, अभी थोड़ी सी ब्रेक, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।